हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम कंप्यूटर के सेकंड टॉपिक कंप्यूटर का उद्भव और विकास इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो तथ्य सारे दोस्तों, ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं पीडीएफ में, ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको प्रत्येक फैक्ट को अंतिम तक पूरा वीडियो देखना है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों तथ्य सार में पहले फैक्ट की। पहला फैक्ट है कंप्यूटर विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है और इन्हीं की शिष्या जो थी वो प्रथम प्रोग्रामर थी जिसका नाम था लेडी एडा अगस्टा। इन्हीं चार्ल्स बेबेज की शिष्या का नाम था लेडी एडा अगस्टा। तो वो भी आपको फैक्ट इसके साथ में कंबाइन में याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है आपका आईबीएम का पूरा नाम क्या है। तो आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दोस्तों ये वही कंपनी है जिसके स्थापना अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन हॉलीरथ ने किया था, जो कि अमेरिका के एक जनगणना विभाग में कर्मचारी थे और जिन्होंने पंच कार्ड का यूज़ किया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों संसार का प्रथम गणक यंत्र। तो संसार का जो प्रथम गणक यंत्र था दोस्तों, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था और उसका नाम था अबाकस। और दोस्तों आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अबाकस का जो आविष्कार करता थे उनका नाम था ली काई चेन। क्या नाम था दोस्तों उसका? ली काई चेन। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, विश्व का जो पहला कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसी कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो था ईनियक, जिसे जेपी अकर्ट और जॉन मुचली ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो दोस्तों यूनिवेग कंप्यूटर था, जो कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यूनिवेग कंप्यूटर का पूरा नाम दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यूनिवेग का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की या स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो दोस्तों स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का प्रयोग में किस चीज़ का प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों आपको मैंने इसके पहले बताया कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ईनियक था, जो कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो इन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का या निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था दोस्तों। इस निर्वात ट्यूब को ही वॉल्व कहा जाता है, जिसकी जो कि काफ़ी गर्म होती थी और जिसके लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता था, जिससे कंप्यूटर की जो कीमत थी दोस्तों, जो कॉस्ट थी वो बढ़ जाती थी। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पहले पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की भाषा थी। तो दोस्तों मैंने जब आपको कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ाया था तब बताया था कि प्रथम पीढ़ी में बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी का निर्माण किस तत्व से बनी होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रतिरोध के बारे में कि धातुओं का प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ता है, इस कारण कंप्यूटर का सर्किट गर्म हो और फिर भी उसकी चालकता पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसीलिए अर्धचालक युक्ति से बने मदरबोर्ड का यूज़ किया जाता है या आईसी का यूज़ किया जाता है। इस कारण से इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों आईसी का निर्माण किया जाता है। तो आईसी का मतलब होता है दोस्तों एकीकृत परिपथ। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, आईसी का आविष्कार जेएस किल्वी ने किया था और आईसी जो है वो सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनाई जाती है दोस्तों। इसके बाद में बात करेंगे आधुनिक कंप्यूटरों का लघुगणक आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो चुका है। लघु रूपण का मीनिंग होता है दोस्तों, उनको आधुनिक कंप्यूटरों का आकार छोटा कैसे हुआ, लघु यानी छोटा, रूपण यानी उसका साइज छोटा कैसे हुआ। तो दोस्तों समाकलित परिपथ मतलब कि आईसी के प्रयोग के कारण कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ, क्योंकि आईसी में छोटे से चिप पर बहुत सारे परिपथ को
मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो दोस्तों ये आईसी को ही कहते हैं, क्योंकि आईसी जो होता है वह एक सिलिकॉन की चिप होती है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है आईसी या चिप का दूसरा नाम है, तो चिप का दूसरा नाम है आईसी या एकीकृत परिपथ, जिसका आविष्कार जेएस किलवी ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में आईसी का पूरा नाम पूछा गया है दोस्तों एसएससी की एग्ज़ाम में। तो आईसी का पूरा नाम दोस्तों इंटेग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कंप्यूटर में एलएसआई का पूरा नाम होता है, तो दोस्तों एलएसआई का पूरा नाम होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वैसे ही दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक होती है एमएसआई, एमएसआई में एमएसआई का पूरा नाम होता है दोस्तों मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो एलएसआई का होता है दोस्तों लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई का होता है दोस्तों मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई का होता है दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, वीएलएसआई का होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यूएलएसआई का होता है दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति का कंप्यूटर होता है, तो उसे दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर कहा जाता है। इसको आपको बिल्कुल रट लेना है, ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा तथ्य है किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर की पीढ़ियों में चौथी पीढ़ी में किया गया था, और पहले माइक्रो प्रोसेसर का जो नाम है दोस्तों उसे इंटेल कंपनी ने बनाया था, जो कि इस तथ्य में बताया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया, जिसका नाम था इंटेल 4004, जो कि 4-bit माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों। 4-bit माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है दोस्तों वो एक बार में 2^4 यानी कि 16 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड से एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी का है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है वीएलएसआई में वीएलएसआई का पूरा नाम क्या है, तो वीएलएसआई का अर्थ होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है, तो ये है एनालॉग कंप्यूटर का दोस्तों, ये उत्तराखंड पीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको जब कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो भौतिक राशि को मापता है, जैसे कि पेट्रोल पंप में लगा कंप्यूटर ये बताता है कि कितना पेट्रोल आपकी टंकी में डाला गया है, वैसे ही कार में कार के द्वारा चली गई दूरी को बताने वाला कंप्यूटर एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर होता है दोस्तों, जिसे ओडोमीटर कहा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी डिवाइस के अंदर होते हैं वो एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं दोस्तों। जैसे कि वॉशिंग मशीन के अंदर जो चिप लगी होती है दोस्तों, वो उसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डाला होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को दोस्तों पीसी कहते हैं। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर सिद्धार्थ था। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है, तो ये होता है दोस्तों लैपटॉप। लैपटॉप जो होता है ये पोर्टेबल होता है और इसे गोद पर रखकर चला सकते हैं, क्योंकि ये दो वर्डों से मिलकर बना है लैप प्लस टॉप। लैप का मतलब होता है दोस्तों गोद, और टॉप का मतलब होता है गोद के ऊपर रख के चलाना। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है। हैंड हेल्ड का मतलब होता है दोस्तों हाथों में पकड़कर चलाए जाने वाला उपकरण, तो हाथों में पकड़कर पीडीए को चलाया जाता है दोस्तों। पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और ये आपका मोबाइल होता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है कि पीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर या व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है दोस्तों। इसके बाद में एक सुबह पोर्टेबल
निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक होता है वो लैपटॉप होता है दोस्तों, उसे नोटबुक भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर प्रयोग किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। इसे दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। और इस तरह से एक ही कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर को समांतर क्रम में जोड़ना, इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है दोस्तों। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको इसको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों। पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ मेनफ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है, जो कि बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कंप्यूटर का, कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण क्रे के फर्स्ट अर्थात सीआरसी ने किया था दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीआरसी कंपनी यानी क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था, और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था क्रे के फर्स्ट नाम था दोस्तों उसका। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया उसका नाम अनुपम था दोस्तों। ये हाल ही में विकसित किया गया भारत का सुपर कंप्यूटर है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक सुपर कंप्यूटरों को डेवलप करने वाली संस्था का नाम है सीडेक पुणे, जिसने दोस्तों आपको मैं बता दूं जिसने परम 8000 को 2003 में बनाया था परम पदम को 2003 में बनाया था, और परम युवा सेकंड को 2013 में बनाया गया था। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग के जनक माने जाते हैं, उन वैज्ञानिक के नाम पर इस अनुसंधान केंद्र का नाम रखा गया है दोस्तों। और यह अनुसंधान केंद्र मध्य भारत के महाराष्ट्र के ट्रांबे शहर मुंबई में स्थित है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पता है कि कंप्यूटर को उसके हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ईनियक का आविष्कार किसने किया था। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेपी अकर्ट व जॉन मुजली ने किया था, जो कि मशीन लैंग्वेज पर चलता था। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस का प्रयोग होता था। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्विचिंग डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था। इसके बाद में VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको जो चार्ट पढ़ाया था उसमें बताया था कि VLSI तकनीक का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया, और ULSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग पाँचवीं पीढ़ी में किया गया। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर सारे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है, डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है। तो डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर का विकास माइक्रो प्रोसेसर युग यानी चौथी पीढ़ी में किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है सुपर कंप्यूटर में होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जिन्हें पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है कि सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं करता है, तो ये सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है परम पदम क्या है। तो परम पदम दोस्तों सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है, और इसे परम पदम को दोस्तों इसे 2003 में बनाया गया था।
जो कि सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया था और ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया, तो परम सीरीज के सारे कंप्यूटरों का विकास सीडेक पुणे ने किया दोस्तों, और भाभा एटॉमिक ने अनुपम कंप्यूटर का विकास किया, अनुपम सुपर कंप्यूटर का विकास किया। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित किया था, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, नॉल बेंगलुरु द्वारा। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों, कौन सबसे बड़ा और तेज सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सबसे बड़ा सबसे तेज सबसे महंगा सबसे पावरफुल ये कंप्यूटर दोस्तों सुपर कंप्यूटर होता है, जिसका नाम का ही अर्थ है दोस्तों, सुपर का मतलब होता है श्रेष्ठ, कंप्यूटर का मतलब संगणक, तो श्रेष्ठ संगणक सुपर कंप्यूटर होता है। इसके बाद में दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर, तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है दोस्तों परम, जो कि सीडेक पुणे द्वारा डेवलप किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, सीडेक का संबंध है सुपर कंप्यूटर से। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को, क्योंकि बेंगलोर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, विश्व की सिलिकॉन वैली वो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा को क्या कहते हैं, तो प्रयोग में आसान कंप्यूटर भाषा को यूजर फ्रेंडली कहते हैं दोस्तों। यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है प्रयोक्ता मित्रतापूर्ण, तो प्रयोक्ता से मित्रतापूर्ण वाली जो भाषा होती है उसे यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में अंतिम फैक्ट है दोस्तों कि मोबाइल फोन का आविष्कार किया था, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि मोबाइल को मोबाइल क्यों कहा जाता है। मोबाइल को मोबाइल इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि मोबाइल शब्द मुंह शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मुंह का मतलब होता है गति करना। मोबाइल एक ऐसी पीडीए होती है दोस्तों, ऐसी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या ऐसी डिवाइस होती है जिसे आप हाथ में पकड़कर गति करते हुए डायनामिक रूप से बात कर सकते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे मोबाइल कहा जाता है, क्योंकि आप इसे लेकर कहीं भी जा सकते हैं। और मोबाइल फोन का आविष्कार दोस्तों मार्टिन कूपर ने किया था, और विश्व में पहला मोबाइल बनाने वाली कंपनी का नाम है दोस्तों मोटोरोला। मोटोरोला कंपनी ने सबसे पहला मोबाइल बनाया था। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि कंप्यूटर के क्षेत्र में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।